वो इत्तु सा गलत ऑर्डर आ गया। मेरा तलब सूख रहा है। बिल्लो बगे बिल्लो। ये चैलेंज मेरे से नहीं होगा भाई। ये जो भी है और मोमो खाएगा नहीं कर सकता भाई। अब ऐसे नहीं बनते फूड ब्लॉगर। तमीज से बात करेगी। ये गई थी मेरे को ऑथेंटिक। चल मोमोज मिल नहीं रहे तो परेशान हो रहा। मेरे को बोल रहा है कैमरामैन पे गुस्सा निकाल रहा है। कैमरामैन तो घटिया है ही बचपन से। और मैडम आप कैमरामैन प्रियंका के साथ आज हम आ चुके हैं द सिंह मुंडा चैलेंज। क्योंकि फाइनली सिंह मुंडा कर रहे हैं 24 आवर चैलेंज। सब बारिश का मौसम देख के तो आज हम लोग करने वाले हैं मोमो चैलेंज। इसको कोई स्क्रिप्ट दो गरीब को। 50 रुपए काट हो रहे। आज हम लोग करने वाले मोमो फॉर 24 आवर्स। और प्रियंका दी को बहुत ज्यादा ही मन कर रहा था तो मैं बोला मैं वीडियो कर। प्रियंका दी को कुछ नहीं मन कर रहा था। और मैं वीडियो कर लूंगा। मैं एक पीस खाऊंगा तुम 4 पीस का। हाँ हाँ मगा रहा है वो भी तेरे को। अभी ये मोमो का ट्रक आ रहा है पूरा लोड भर के। आवाज सुन सकते हो आप लोग मोमो ट्रक। तो आप लोग पहले अभी एक स्पॉट में आए वहाँ पे मोमो का एक स्टॉल दिखा तो देखते हैं उसका मोमो कैसा है। पहले पूरा इन्वेस्टिगेशन होगा उसके बाद ट्राई करेंगे। चिकन है कि वेज है? एक प्लेट चिकन दे दीजिए स्टीम। मेरे से ज्यादा एक्साइटेड तो कैमरामैन है भाई। बहुत गर्म है तो कहा गरम गरम कहाँ से खाओ। और एक प्लेट ले ले क्या हाथ के नीचे। एक ना मैं इतने दिन बात खा रहा हूँ इसलिए अच्छा लग रहा है। मेरे को बहुत अच्छा। एक बार वेज मोमो भी टेस्ट कर लेंगे ना। तोड़ के नहीं दिखा दिया तुम लोग मोमोज। नहीं वेदर में मस्त लग रहा है। भूखा पे दूसरा प्लेट ले लूं मैं। हम लोग ही खा लेंगे। ये लोग खत्म कर देगा हम लोग को दूसरा प्लेट लेना पड़ेगा। अच्छा है 7 out of 10। अच्छा लग रहा है इतना अच्छा हवा ठंडा ठंडा चला लगा। 4-5 प्लेट ले ले गरम गरम भी था मस्त लग रहा। एक मोमो में इतना नशा है कि देखो एकदम हाई हो गई है। अभी दूसरा मोमो जाने के लिए खाने के लिए पेट में जगह बना रही है इसलिए हम लोग ट्रैफिक में फंसे हुए थोड़ा देर। फिर आराम से पहुंच के आराम से खाएंगे। कब मिलेगा मोमो तब से बैठे हुए हैं। सब तो ठीक है मेरे को क्यों ले रहे हैं। लेकिन मुझे एक बात बताओ ऐसे गली कुप्चे में मोमो खाने कौन जाए। हाँ ये बहुत फेमस और बहुत पुराना है। बोल बोल के मुझे किडनैप कर लेंगे। नहीं नहीं बहुत अच्छा जगह बहुत फेमस बहुत पुराना जगह है। बहुत कुछ मिलता है हम लोग खाएंगे भी बहुत कुछ। बिट्टू तो सिर्फ मोमोज खाएगा हम लोग अभी कुछ खाएंगे। मोमो में तो बहुत ऑप्शन है। मोमोज और जो भी अच्छा अच्छा सब मंगा लो। मतलब इतने ऑप्शन है कि मैं मेरे को लगता है कि कुछ और भी ट्राई कर ले। बिट्टू भैया रियलिटी चेक कर 24 आवर चैलेंज का जो लोग करते हैं। 4 बजे से चालू किया हूँ 8 बजे खत्म कर दूंगा। पैन फ्राई करेंगे चिकन पैन फ्राई मस्त होगा। दिखाने के लिए बस पैन फ्राई दिखाऊंगा बट ऑर्डर कुछ और भी होगा वो हिसाब समझ जाओ। देखिए चटनी में वैरायटी देखिए। अरे अरे सेम था। अच्छा चिल्ली अलग है। चिल्ली है हाँ। बड़ा चम्मच चम्मच सारा छोटा हो गया है। चिया थोड़ा सा इधर बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा बस याना नहीं बनना पड़ेगा। ये तो मस्त है बड़ा बड़ा क्या कर रहा है। टफ है कि ऐसे रोटी की तरह क्यों खा रहा है बिट्टू। बता दो स्पाइसी। ये तो बहुत स्पाइसी है। ऐसे भी प्याज बहुत लगी अंकल जी। बिल्ली बग्गा बग्गा बिल्ली बिल्लो को ये बिल्ली आधा की करेंगे सूप पियेंगे सुबह चेकिंग क्लियर ड्रॉप है। सबसे मस्त है देखने में तो मस्त लग रहे हैं। वो पैन फ्राई मोमो का तो मैं अलग दीवाना हूँ। ये किसका थुप्पा लगता है गलत ऑर्डर आ गया। ओह यार दिस लुक्स सो गुड। तेरा मोमो एंड नाउ
वीडियो बंद हो जाएगा तो किसको पता चलेगा? अरे सॉस पे तुम में और दूसरा यूट्यूबर में क्या फर्क है? फर्क है, मैं सच बोलता हूँ, सच्चाई के साथ होती। काश मैं भी सच बोल पाती। भाई पैन फ्राई मोमो अरे मोमो के सपना देख रहे थे हम लोग तो। अंकल जी मुझे मोमो खिला दीजिए, मेरा तलब सूख रहा है। और मोमो खाएगा? सेजवान मोमो, चिकन चीज मोमो, चिकन चीज मोमो खा ले। थुक्पा खा ले। मुझे अपने घर जाना है। अभी तो तुम बोला कि मोमो नहीं खा सकता। लिया चैलेंज एक्सेप्ट किया तो पूरा तो करना पड़ेगा। अभी तो देखो मतलब मैं चालू कब किया था, छोड़ो खत्म कब करूंगा वो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और वीडियो आएगा कि नहीं ये भी नहीं पता। अभी हम लोग जाएंगे जिम से निकलते निकलते और घर जाते जाते हम लोग 10:30 होते हैं। अब खुला रहेगा कि नहीं पता नहीं, तो अभी जाके देखते हैं खुला है कि नहीं। और घर कैसे जाएंगे वो भी नहीं पता। जो भी बोलो, ये जो कैमरा ऐसे करके फ्लैश यूज करके लोग वीडियो करता है ना, मेरे को सामने मेरा जिंदगी अंधेरे में दिख रहा है। इतना मतलब फ्लैश मारे के सामने कुछ नहीं दिख रहा। गाड़ी आके ठोक दे भाई। बिट्टू वाओ मोमो खाने के लिए कितना जोर जल्दी जल्दी भाग रहा है, क्योंकि बंद हो जाएगा 10:30 बज गया है। 10 बज रहा है, बंद हो गया, अब क्या करें? बाहर वाला खुला है, 24 घंटा है मेरे पास, कल 4 बजे तक खा। अब बताइए बिल्लो बगे बिल्लो तकी करेंगे, सारा तो दुकान बंद हो रही है। 10:30 बजे तेरे को कहाँ मिलेगा? तो एक काम करते, घर जाके ऑर्डर करके देखते आता है कि नहीं। वही ऑप्शन बचा, ऑर्डर करके खाना था तो घर पे बैठ के खाता मैं। ये गई थी मेरे को ऑथेंटिक, चल मैं अच्छा खिलाऊंगी पुराना। सर नहीं भाई, ये चैलेंज मेरे से नहीं होगा भाई। दिन रात मोमो नहीं खा सकता, खाना पड़ेगा आपको। एक टाइम खिलाती तुम ही लिया है 24 आवर चैलेंज। अब तो वाओ मोमो भी देख के तो खुशी नहीं आ रहा। नया मोमो है वाओ मोमो का, टीम ही तो लिखा है डिलाइट्स टीम। नया येलो कलर का, ग्रीन कलर का, ऐसा वो वाला येलो वाला ग्रीन कैसे बनता है? कलर है मोमोज का। कितने का आया है अगर देखना है तो यहाँ देख लो। मुझे लगता नहीं सेम दिया होगा, खुशबू से तो पसीना आपका तो पता नहीं। दूसरे दिमाग साहब आ गए खाने, मोमोज खानी है, खानी है तुमको मोमो? आ जाओ। हाँ मामा मेरे को तो खानी है। तो इसमें से प्रियंका जी ने एक नॉन वेज एक वेज मंगाया है और ये कुछ इस तरीके का है। ओ ग्रीन मतलब वेज, येलो मतलब नॉन वेज। येलो कैसे होता है? रेड होता है नॉन वेज, बट येलो किया उन्होंने। जो भी पर जो भी बोलो, ये मोमो फॉर 24 आवर्स और 24 आवर्स चैलेंज बहुत ही डिफिकल्ट कोर्स है और काफी कम लोग कर सकते हैं, जिसमें से मैं एक नहीं हूँ। चटनी ये तो स्पेशल चटनी है चीचा लो का। चटनी यहाँ डाल ले दे और 3-4 बार आएगा। फिलिंग दिखाओ। ओहो ये वाला नॉन वेज है। ये भी येलो कलर का, फीलिंग भी येलो है। वाह देखो कलर समझ में नहीं आता क्या? कुछ तो, और ये मेरा थंबनेल एडिट करता है। रुको चटनी से लिखाओ। चटनी तो लगा लियो, लेकिन जो भी बोला अभी जो हम लोग वो भवानीपुर में खाए थे, ओहो क्या टिबेटियन डिलाइट, उसका तो चटनी का था। हाँ दल्ले मिर्ची का ट्राई करके देखते हैं। ये मोमो लेकिन काफी अच्छा है, मतलब नॉर्मल स्टीम मोमो नहीं है, थोड़ा सा अंदर प्याज थोड़ा सा मिंस किया हुआ है, गार्लिक वगैरह सब कुछ है जो अच्छा लग रहा है। सिर्फ चिकन का मैरिनेशन नहीं है, अच्छा लगा। बट येलो का क्यों कॉन्सेप्ट ये नहीं पता, मतलब ये येलो फील, ये जो हर 3 साल में एक रेस्टोरेंट का अपग्रेड करना पड़ता है कुछ ना कुछ, बीट इंटीरियर बीट मेनू हर चीज, 3 साल बाद वो पुराना हो जाता है, इसलिए वामो कुछ ना कुछ लाते रहता है नया। उसने नया सिर्फ कलर चेंज किया है। हाँ बट इस मतलब ये आउटर लेयर का कोई मतलब नहीं, नॉर्मली है, कुछ अलग नहीं है, पर खाने में अच्छा है। अंदर कलर चेंज है, अच्छा लगा तभी तुम 2 पीस खा गए। कितना रेट करेगा चिकन को? मेरे हिसाब से 8/10 अच्छा है। देखो इन लोगों के घर में मोमो छोड़ो, यहाँ कपड़े वहाँ कपड़े हर जगह कपड़े। चटनी भी चाहिए तो अंकल ने चटनी खाया तो आंटी ने भी खाई। तमीज से बात करेगी। एक तो मेरी वजह से मोमो मिल रहा खाने, लड़का को दो, लड़का को भी चाहिए मोमोज।
चलो कैमरामैन फोकस करो, इधर फोकस, जल्दी फोकस करो। सो अभी वेज तो ऐसे जब मतलब नॉन वेज खाने के बाद टेस्ट लगे, वेज का तो समझ में कम आता है, बट खा लेते हैं। मतलब वही वो वाला मींस जो उसमें था, प्लस उसके संग चिकन था, यहाँ से चिकन बस हटा दिया। नहीं, इसमें से वेज है, सब्जियाँ डाल दी है, सब्जी में भी काफी कुछ दिया है, काफी कुछ दिया है, बट सब्जी वाला मोमो मोमो नहीं, मतलब अच्छा है, अच्छा ही है बस। और फिर से ये ग्रीन जो है बस आउटर लेयर का कलर और कुछ नहीं है। इसको मैं दूंगा 6 out of 10, उतना नहीं खास में। A few moments later, अरे भाई तू फिर से आ गई, नहीं कर सकता भाई, अब रात को गया, अब तो खत्म कर। प्लीज मिट्टू भैया, आप अपना वाला रेसिपी बनाइए ना, थोड़ा खाते हैं। नहीं, ये जो आया है जैसा आया है वैसे ही खाएंगे, क्योंकि मेरे को मेहनत करने का इसमें वो रेसिपी बनेगा नहीं, अब बनेगा भी ना, मेरे को करना भी बनेगा कि नहीं, ये क्या मांगेगा तू, ये डिफरेंट है। बाप रे बाप, मतलब सोचो तेरा चैलेंज में मैं महंगा। द ओरियंट से अंबुजा नियोटिया का कंपनी जो मांगे, मैं सबसे वेट कर रही थी कि वो अपना वाला रेसिपी बनाएगा टेस्टी सा। हॉट चिल्ली ऑयल अच्छा होता है, बट आज एकदम मन नहीं है, जिस तरीके का हम लोग खाए दबा से। इधर कैमरामैन जल्दी फोकस करिए, पैकेजिंग तो गजब है, कितना लिया है, डिलीवरी पैकेजिंग बस घटिया, फूड पैकेजिंग। और ये चिल्ली ऑयल तो सपना पूरा हो गया, सही तेरी इच्छा पूरी हो गई, खुश रहे। और इसमें कुछ नहीं है, ये तो वो सेसमी ऑयल स्प्रिंग ऑनियन है, नहीं ये चिली ऑयल, ये क्या है पता नहीं, काला करके है। वाह 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 वाह, क्या ज्ञान है, कुछ काला करके है। ये है मशरूम टिमसम भाई, क्या दिया है इतना थोड़ा सा, 4 पीस 270 रुपए टैक्स लगा के 300, 4 पीस इत्तु सा, ये देखो इत्तु सा। तो हम डिस्पेंसर में अभी हैं, आंटी का मोमो ज्यादा अच्छा था, आंटी का मोमो 80 रुपए का, इतना बड़ा तो पूरा हाथ का साइज रहता है। चलो जो भी ये है, दिस इज जिमसन, क्या नाम क्या है, मशरूम मोमोज। वाह, मशरूम मोमोज चिल्ली डिप के संग ट्राई करेंगे, चिल्ली डिप। अभी स्पून तो गजब है, स्पून फोक दोनों साथ में, ये तो फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, बड़ा बड़ा यही है। ये पता नहीं कौन सा डिप है, बट ये भी ट्राई कर लेते लगा के, क्योंकि महंगा मोमो है तो एक बार में खाना है, और अच्छे से खाना है, और चबा के खाना है, ठीक है, महंगा मोमो में नहीं करना, ठीक है। टेस्ट ट्राई करूँ आप तो 260 के हिसाब से बता रहा हूँ, क्या मेरे को लगा अच्छा बोलेगा। ओटी करके दिखा, ओटी जैसे तू करती है अंदर इसका, ये जो भी है भाई शीताके मशरूम है, शीताके मशरूम का पैसा होता है तो वो, ये सब ज्ञान नहीं है, यही सब लोग आते बन जाते फूड ब्लॉगर, ऐसे नहीं बनते फूड ब्लॉगर, यू शुड नो द इन एंड आउट ऑफ एवरीथिंग। मेरा भाई होके ये सब बोलेगा, शर्म है तुझ पे। मुझे एक बात बताओ, अगर 80 रुपए का मेरे को 6 मोमो मिल रहे, चीज कॉर्न गजब, वो भी दिस इज क्वालिटी, क्वालिटी शीताके मशरूम एंड दिस इज डिमसम विद द टेक्निक ऑफ मेकिंग दिस डिमसम इज वेरी टफ। अगर आप लोग को डम्पलिंग सस्ता में देखना है तो मैं आप लोगों को बताऊंगा सस्ता डम्पलिंग कहाँ मिलता है, वो भी 150-200, उसमें भी 5 पीस और टिप्स देखोगे तो आप लोग पागल हो जाओगे, ऐसा भी जगह है। बट लोगों को ओरिएंट और भी कितना सारा बड़ा बड़ा होता है, एशिया वेशिया क्या सब रहता है, तो 250 रुपए फिर भी ठीक है, लोग 400 रुपए, हम लोग 400 रुपए देके भी खाए हैं, बट मैं दिखाऊंगा, कमेंट करके बताना आप लोगों को देखना है कि नहीं। वो देखो वाव मोमो का रहा है, डिप मिला और खा लिया, लेकिन वाव मोमो भी ये चिल्ली ऑयल वाला डिप स्टार्ट कर सकते, मतलब मेरा एक सजेशन है, मतलब वो बहुत पुराना हो गया, अब मजा नहीं आया। सो आज हम लोग का ये चैलेंज यही खत्म होता है, मुझे खाके एकदम ही मजा नहीं आया, क्योंकि मतलब क्या बताऊं, खा खा के एकदम थक गया, बार बार मोमो मोमो ही खाना पड़ रहा है। सो एक टाइम खाओगे तो मजा आता है, ठीक है, आराम से खा सकते हो, बॉडी को भी कुछ नुकसान नहीं होगा, और अगर हेल्थ अच्छा रहेगा तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आगे और भी वीडियोस ला दूंगा, और लाइक टारगेट क्या ही दूं, 2000 कर दोगे तो वो भी काफी, और आप लोग से मिलता हूं, बाय बाय, टाटा टाटा सी, वो जो अभी भी खाई जा रही है।